आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वड़ा पाव की रेसिपी। वड़ा पाव महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर है और इसे बनाना बहुत आसान है। आज के आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि वड़ा पाव के साथ जो उसकी चटनी सब होती है, मैंने वो भी बनाना बताया है। तो आप इस वड़ा पाव की कम्प्लीट रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला पेस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्ची ली है। इसके साथ हम 12 से 13 छिला हुआ लहसुन, 3 इंच अदरक, थोड़ा सा करी पत्ता और 1/4 कप धनिया पत्ता ले लेंगे। इसे हम ब्लेंडिंग जार में डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसे ब्लेंड करते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस आप इसे ऐसे सूखा ही पीस लें। अगर आपके पास करी पत्ता नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो उसे भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है। तो हमने इसे ब्लेंड करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसकी वजह से ये ऐसा पिसेगा। ये देखिए, हमें इसे ऐसे ही यूज़ करना है। तो अब हम उबला हुआ आलू ले लेंगे। तो 5 उबले हुए आलू का छिलका निकाल के मैंने इसे मैश कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम चलते हैं आलू मसाला बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल गर्म करेंगे। तो जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए, आप इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाल दें, और तेल के गर्म होते ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सरसों, 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। इन तीनों को हम थोड़ा सा तेल में पका लेंगे। जैसे ही जीरा और राई पक जाएगा, उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया ना, वो इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखिए और ये पूरा पेस्ट इसमें डाल दें। हरा वाला पेस्ट डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेना है। जैसे ही पकना शुरू होगा ना, इसे बहुत ही अच्छी लहसुन और वो जो हरी मिर्च वाली फ्लेवर आती है ना, उसकी खुशबू आने लगेगी। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है। कभी कभी इसमें खड़ा धनिया का भी इस्तेमाल होता है, तो आप चाहिए तो खड़ा धनिया तड़के में डालें राई जीरा के साथ, या फिर 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर आप इसमें डाल दें। दोनों का फ्लेवर सेम आएगा और धनिया इसमें ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने इसे भून लिया है। अब हम इसमें उबला हुआ आलू डाल देंगे। तो यहाँ पे ये आलू डाल दें। आलू डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। तो 1/4 छोटे चम्मच यानी 1.25 टीस्पून मैंने नमक डाला है। मिला दें इसे, और नमक डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। जैसे ही मसाले आलू से अच्छे से मिक्स होंगे, उससे और भी अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो आलू को अच्छे से भून लें। तो ये हमारा आलू मसाला बनके तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे स्टफ़ करेंगे। तो यहाँ पे गैस को बंद किया मैंने और इसे रख दे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम बेसन का घोल बना लेते हैं। तो इसके लिए 1 बर्तन में 1 कप बेसन ले लें। बेसन में हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डाल दें स्वाद के अनुसार या फिर 1/2 छोटे चम्मच। 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और इसके साथ 1 चम्मच आप इसमें चावल का आटा डाल दें। चावल का आटा इसमें ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास है तो डालें, उससे जो वड़े होंगे ना, वो थोड़े क्रिस्पी होंगे। तो यहाँ पे इन सबको मिला दें, और उसके बाद पानी डाल के हम इसका एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं, और ध्यान रहे कि इसमें लम्स मतलब जो गाँठे हैं ना, वो नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे विस्कर से मिलाते हुए इसका एक गाढ़ा घोल बनाएं। ध्यान रहे कि वड़ा पाव का जो आप वड़ा बनाएं ना, उसमें घोल गाढ़ा होना चाहिए, तभी वो आलू के ऊपर अच्छी सी कोटिंग लेके आएगा। अगर आप इसे पतला कर देंगे तो इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग नहीं आएगी और आलू दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे, ये देखिए, इतना गाढ़ा रखा है। तो हमने पहले आलू का मिक्सचर बना के रखा है, ये बैटर बना लिया। अब हम वड़ा बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो आलू मसाला है, उसे ऐसे लेके हथेलियों पे राउंड शेप में कर ले, और इसके बाद इसे रख दे। तो वड़े ना 2 प्रकार के बनते हैं, मतलब 2 तरीके के बनते हैं। कहीं पे गोल वाले बनते हैं, कहीं पे थोड़े चपटे वाले बनते हैं। तो चपटे वाले में कुछ भी नहीं करना, बस इसे ऐसे हल्का सा चपटा कर लेना है, ये देखिए। तो जैसा वड़ा आपको बनाना है, या तो राउंड शेप में या चपटा, उसे आप अपने हिसाब से बना लें। तो यहाँ पे सारे मैंने आलू के बॉल्स बना के रख दिए। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले ना हम चटनी बना लेते हैं, जो वड़ा पाव में बहुत इंपॉर्टेंट है। चटनी बनाने के लिए 1/2 कप मूंगफली लें, और उसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए सेक लें। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं सेकना है। जैसे ही मूंगफली सेक जाएगा, हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसका छिलका निकाल लेंगे। अगर आपके पास सेका हुआ मूंगफली है तो आप इसे डायरेक्ट ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मूंगफली को डाल दिया मैंने। इसमें हम डाल देंगे 12 से 13 छिले हुए लहसुन, इसके साथ 1 छोटा चम्मच जीरा, और इसके बाद ज़्यादा लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करें, वो तीखा कम होता है। तो यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्च और नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो वड़ा पाव में एक लाल वाली चटनी इस्तेमाल होती है, तो वो वाली चटनी ऐसे बनती है। तो लाल मिर्च जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, इसका कलर उतना ही ज़्यादा ऐसे रेडिश में आएगा। ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा लाल पसंद है तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और डाल के और इसे ऐसे मिला दें। तो चटनी हमने बना लिया, अब हम वड़े तल लेते हैं। तो उसके लिए 1 बर्तन में तेल डालें, तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें। मैं यहाँ पर रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ।
गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, थोड़ा सा बैटर ऐसे डाल के चेक कर लिए। जब ये तेल के ऊपर तैरने लगे, मतलब तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। अब ये जो आलू का बॉल है वो बेसन में डाल के और उसके बाद ऐसे इसे गर्म तेल में डालना है। तो इसके लिए आप चम्मच और फोक का इस्तेमाल करें। ये देखिए, फोक से सारे बेसन नीचे से निकल जाएंगे और इसके बाद सावधानी से आप हल्के हाथों किनारों पे डालें। ये देखिए, सेंटर में नहीं डालें, नहीं तो तेल के छींटे आपके ऊपर आएंगे। तो जब भी आप वड़ा पाव बनाएं या कोई भी चीज़ गर्म तेल में डालें ना, तो एकदम किनारे से डालें और गैस का फ्लेम वहाँ पे धीमा रखें और थोड़ा सा पीछे हो जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सारे वड़े को डाल सकते हैं और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप हाथों से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो तरीका आसान लगे या सेफ लगे, आप उस तरीके से इन वड़ों को गर्म तेल में डाल सकते हैं। ये देखिए, वड़ों को हम मीडियम हाई फ्लेम पे तब तक तलेंगे जब तक कि इनका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो बूंदी गिरती है ना, इसे भी हम निकाल लें, नहीं तो ये तेल में जलने लगेंगे। तो सेम प्रोसेस से आप बाकी के वड़ों को तल लें। तो आप चाहिए तो ऐसे स्पून से डालें या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप हाथों से भी इसे डाल सकते हैं। हाथों से अगर आप वड़े तेल में डाल रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ ऐसे तेल से दूर रखें। ये मैंने सारे वड़े तल लिए। तो वड़ा पाव का जो वड़ा है ना, वो बनके तैयार है। आप चाहिए तो इसे ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हैं, जैसे आलू बूंदा होता है ना, ये आलू बूंदा ही बन जाता है। तो हमने सारी तैयारियां कर ली है, अब थोड़े से हरी मिर्च गर्म तेल में फ्राई करके निकाल देंगे। वड़ा पाव के साथ इसे सर्व किया जाता है हर जगह, लेकिन अगर आप तीखा नहीं खाते हैं या फिर हरी मिर्च आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो हरी मिर्च को फ्राई करने से पहले उसमें कट लगा दें, नहीं तो गर्म तेल में जाते ही ना वो ऐसे फटने लगेगा। तो यहाँ पे हरी मिर्च को निकाल लिया मैंने। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक के साथ आप चाहिए तो थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, तो इससे ये थोड़ा चटपटा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च को रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में, जहाँ पे हम सारी चीज़ों का असेंबल करेंगे। तो ये वड़ा रखा है मैंने, ये पाव लिया है और इसके साथ जो हमने चटनी बनाई ना, वो और हरी मिर्च सब एक जगह इकट्ठा करके रखी है। अब इसे सजाते कैसे हैं, तो उसके लिए ये लादी पाव, ये जो पाव ब्रेड आता है ना, वो ले लेंगे और उसे नाइफ से या फिर ऐसे हाथों से ऐसे ओपन कर दें। ये देखिए, मैं इसे ऐसे हाथों से ही ओपन कर लेती हूँ और इसमें हम लगा देंगे ये जो लाल वाली चटनी बनाई ना हमने मूंगफली की वो। इसके बाद ये वड़ा रख दें और इसके ऊपर ये फ्राई की हुई हरी मिर्च, तो हरी मिर्च की डंठल जो है वो निकाल दें और इसके बाद ऐसे सेंटर में रख दें। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं। तो ये हमारा वड़ा पाव जो है वो एकदम स्ट्रीट स्टाइल जैसे मिलता है ना महाराष्ट्र में, वैसा वाला बन के रेडी हो गया। ये देखिए, वड़ा पाव को आप गर्मा गर्म खाएं, मतलब वड़े एकदम ऐसे गर्म तेल से निकालें और उसके बाद ऐसे चटनी लगा के सर्व करें, तो इसके खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। एक्स्ट्रा में आप चाहिए तो सर्व करते वक्त ये चटनी और हरी मिर्च रख सकते हैं अगर किसी को पसंद है तो। तो आप इस सुपर टेस्टी वड़ा पाव की रेसिपी को ट्राई करें, ये आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा और चाय के साथ एकदम परफेक्ट डिश है।